नमस्कार मित्रों, ऋषि चिंतन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारी साथ गायत्री महामंत्र का उच्चारण कीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का चैप्टर है प्रभु कृपा। रात 9 बजे लगभग अचानक मुझे एलर्जी हो गई। घर पर दवाई नहीं, न ही इस समय मेरे अलावा घर में कोई और। श्रीमती जी बच्चों के साथ दिल्ली और हम रह गए अकेले। ड्राइवर मित्र भी अपने घर जा चुका था। बाहर हल्की बारिश की बूंदे सावन महीने के कारण बरस रही थी। दवा की दुकान ज्यादा दूर नहीं थी, पैदल भी जा सकता था, लेकिन बारिश की वजह से मैंने रिक्शा लेना उचित समझा। बगल में राम मंदिर बन रहा था। एक रिक्शा वाला भगवान की प्रार्थना कर रहा था। मैंने उससे पूछा, चलोगे? तो उसने सम्मति में सर हिलाया और बैठ गए हम रिक्शा में। रिक्शा वाला काफी बीमार लग रहा था और उसकी आंखों में आंसू भी थे। मैंने पूछा, क्या हुआ भैया, रो क्यों रहे हो और तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है? उसके बताया, बारिश की वजह से 3 दिन से सवारी नहीं मिली और वह भूखा है, बदन दर्द भी कर रहा है। अभी भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि आज मुझे भोजन दे दो, मेरे रिक्शा के लिए सवारी बैठ दो। मैं बिना कुछ बोले रिक्शा रुकवा कर दवा की दुकान पर चला गया। मां खड़े खड़े सोच रहा था, कहीं भगवान ने तो मुझे इसकी मदद के लिए नहीं भेजा, क्योंकि यदि यही एलर्जी आधे घंटे पहले उठती तो मैं ड्राइवर से दवा मंगाता। रात को बाहर निकलने की मुझे कोई जरूरत भी नहीं थी और पानी न बरसता तो रिक्शे में भी न बैठता। मन ही मन भगवान को याद किया और पूछ ही लिया भगवान से, मुझे बताइए क्या आपने रिक्शा वाले की मदद के लिए भेजा है? मन में जवाब दिया, हाँ। मैंने भगवान को धन्यवाद किया, अपनी दवाई के साथ रिक्शे वाले के लिए भी दवा ली। बगल के रेस्टोरेंट से छोले भटूरे पैक करवाए और रिक्शे पर आकर बैठ गया। जिस मंदिर के पास से रिक्शा लिया था वही पहुंचने पर मैंने रिक्शा रोकने को कहा। उससे हाथ में रिक्शा के 30 रुपया दिए, गर्म छोले भटूरे का पैकेट और दवा देकर बोला, खाना खा कर यह दवा खा लेना, एक एक गोली या दोनों अमी और एक एक कल सुबह नाश्ते के बाद। उसके बाद मुझे आकर फिर दिखा जाना। रोते हुए रिक्शे वाला बोला, मैंने तो भगवान से 2 रोटी मांगी थी, मगर भगवान ने तो मुझे छोले भटूरे दे दिए। कई महीनों से इस खाने की इच्छा थी, आज भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली है। और जो मंदिर के पास उसका बंदा रहता था उसके मेरी मदद के लिए भेज दिया। कई बातें यह बोलता रहा और मैं स्तब्ध हो सुनता रहा। घर आकर सोचा कि उसके रेस्टोरेंट में बहुत सारी चीज थी, मैं कुछ और भी ले सकता था, समोसा या खाने की थाली, पर मैंने छोले भटूरे क्यों लिए? या सच में भगवान ने मुझे रात को अपने भक्त की मदद के लिए ही भेजा था? हम जब किसी की मदद करने सही वक्त पर पहुंचते हैं तो उसका मतलब उस व्यक्ति की प्रार्थना भगवान ने सुन ली और हमें अपना प्रतिनिधि बनाकर उसकी मदद के लिए भेज दिया। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।